हाँ तो देखिए, ये टॉपिक अभी हम थोड़ा देर बाद यही फोटोग्राफ बनाएंगे हम लोग। टॉपिक का नाम क्या आपको? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जी, ठीक है। आज सुबह में जो बात कर रहे थे उसमें तो बताए थे हम तुम लोगों को, है ना, टेस्टिस के बारे में बताए थे जी, ठीक है। उसी तरह से अभी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे जी थोड़ा देर में। पॉइंट ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब आप देखते हैं ना, तो कुछ ऑर्गन सब का यहाँ पे नाम सब लिखा हुआ है जी, ठीक है। ये सब जो देख रहे हैं हम लोग, है ना, ये सब कुछ नाम सब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इसमें एक फोटोग्राफ में गौर कीजिएगा, है ना, यूरिनरी ब्लाडर पे गौर कीजिएगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लाडर कहाँ पर है? इस जगह पे हम लोग देख रहे हैं यूरिनरी ब्लाडर, है ना जी। यूरिनरी ब्लाडर क्या होता है? यूरिनरी ब्लाडर एक ऐसा जगह होता है जहां पे यूरिन आपको स्टोर होता है जी, ठीक है। इस जगह पे यूरिन स्टोर होता है और ये आगे जाकर के एक रास्ते की रास्ते से ये बाहर निकलता है जी, ठीक है। आप गौर से देखिएगा तो आप, है ना, इसमें कुछ पाइप वगैरह दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। इसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा एक ऐसा पाइप है सर जिस रास्ते से यूरिन बाहर निकलता है। लेकिन जानकारी रखना ये भी जरूरी है कि इसी रास्ते से, है ना, यूरिन के साथ साथ स्पर्म भी बाहर निकलता है। दोनों अपने अपने टाइम पे बाहर निकलता है। जब स्पर्म बाहर निकल रहा था तब यूरिन बाहर नहीं निकलेगा, और जब यूरिन बाहर निकलेगा तब आपको, है ना जी, स्पर्म बाहर नहीं निकलता है जी, ठीक है। तो ये सब खास कंट्रोल होते हैं, ठीक है, और इसी सब पाइप के रास्ते से बाहर निकलता है। इस फोटोग्राफ में सब आदमी देख रहे हो ना, ये ब्लाडर है, ये यूरेथ्रा है जी, ठीक है। एक पतला सा धागा जैसा देख रहे स्ट्रक्चर, ये यूरेथ्रा है। और ये यूरेथ्रा इस रास्ते से, पेनिस के रास्ते से क्या होता है, बाहर की ओर जा रहा होता है जी, ठीक है। बाकी सब ब्लाडर आपको सब इस सब का नाम सब फोटोग्राफ सब चर्चा में रखेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। एक मिनट में स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक को। ऐसा पिक्चर हम नहीं बनाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसी के जैसा मिलता जुलता ये फोटोग्राफ जो देख रहे हो नीचे में, यही फोटोग्राफ हम बनाएंगे जी, ठीक है। तो कैसा आपको टॉपिक सब होगा थोड़ा देर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जी, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, अभी क्लास स्टार्ट नहीं था, थोड़ा बहुत बेसिक है। एक कैमरा ही इसको स्टैंड के तौर पर रखने में दिक्कत हो रहा है हमको। एक मिनट रख देते हैं तो फिर आवाज नहीं जाता है। एक मिनट, तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं जी, ठीक है। हम आपको सुबह में क्या पढ़ा रहे थे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे जी, ठीक है। दिख रहा है सबको ना? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हम लोग बात कर रहे थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एक मिनट इसमें, हाँ अब ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हम लोग बात कर रहे थे जी, ठीक है। इसमें हम लोग जब बात कर रहे थे तो एक पॉइंट सब लिख रहे थे क्या इसमें, कि आप लोगों को हम इसमें चार टॉपिक बताएंगे। पहला टॉपिक था टेस्टिस के बारे में हम लोग बताएंगे आपको, है ना। उसके बाद मेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में बताएंगे जी, ठीक है। मेल एसेसरी ग्लैंड कुछ होता है। उसके बाद मेल एसेसरी डक्ट के बारे में हम बताएंगे जी, ठीक है। मेल एसेसरी डक्ट भी कोई चीज होता है। और एक्सटर्नल जेनेटिला के बारे में भी हम लोग जानेंगे जी, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटिला, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे जी। हम लोगों ने टेस्टिस के बारे में बात किया था और सेक्शनल व्यू भी देख लिया था। काट कूट के जब टेस्टिस को देखते हैं सर, तब कैसा दिखता है टेस्टिस, ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे जी, ठीक है। ह्यूमन टेस्टिस में कौन ऑर्गन कहाँ पे मौजूद है, इस सब पे भी हम लोग चर्चा किए थे जी, ठीक है। तो पॉइंट अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इससे। उसको समझने से पहले ना कुछ बेसिक तुम लोग जानो, है ना जी। बेसिक क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं जी, ठीक है। पहला बेसिक तुम लोगों को बताया जा रहा है जी, ठीक है। था सुनिएगा, तीन बेसिक बोलेंगे, है ना। और तीनों बेसिक बहुत इजी है। देखो बेसिक नंबर वन, है ना, जब कोई भी पाइप को तुम देखोगे, ठीक है, बायोलॉजी के टर्म में बोल रहे हैं, जब कोई पाइप चल रहा होता है सर, चल रहा होता है, लेकिन एकाएक जाके फैल गया सर, है ना जी, इस तरह से फैल गया। तो बायोलॉजी में टर्म होता है जी, जब भी कोई वाइड इलाका होता है ना, वाइड इलाका, तो बायोलॉजी में हम इसको एम्पुला बोलते हैं, एम्पुला, है ना जी, एम्पुला के नाम से इसको हम लोग
बुलाते हैं। देखना ये लड़का लड़की सबके ऑर्गन में होता है जी, ठीक है। ये मत समझना आपको लड़का कि एम्पुला कोई बॉडी पार्ट्स का नाम है। एम्पुला एक टर्म है जी, जिसका मतलब है वाइड इलाका। वाइड माने चौड़ा, है ना जी। जब कोई पाइप चल रहा होता है, सर चल रहा होता है, सर एकाएक जब आप फैल जाता है ना जी, उस फैले हुए इलाका को हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्पुला के नाम से बुलाते हैं। बेसिक वन खत्म हो गया जी, अब बेसिक नंबर टू सुनिएगा। देखिए सर, स्पर्म में है ना, जब कोई चीज ऐड कर देते हैं, ऐड करने का कुछ भी ऐड कर देते हैं, वाटर हुआ या म्यूकस हुआ, कुछ भी ऐड कर देते हैं सर, ठीक है, समथिंग ATC लिख देते हैं, कुछ भी ऐड कर दिए स्पर्म के साथ, है ना। तो इस सबको एक साथ मिला के सीमेन बोलते हैं जी, सीमेन। ये दूसरा बेसिक था जी, ठीक है। पहला बेसिक मैंने पढ़ाया एम्पुला के बारे में, और दूसरा बेसिक था आपको सीमेन के बारे में जी, ठीक है। तो वाटर के साथ, है ना, सॉरी मतलब स्पर्म के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा चीज लगा देते हैं तो उसको अब हम सीमेन बुलाते हैं सर। प्योर स्पर्म रहता तो स्पर्म बोलते हैं, लेकिन स्पर्म के साथ कुछ ऐड कर दिए आप तो इस घटना को सीमेन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। सीमेन के अंदर स्पर्म होगा सर, और भी बहुत कुछ होगा। तीसरा और लास्ट बेसिक सुनिएगा, है ना जी। आप लोगों को इस बेसिक को समझने के लिए ना एक इमेजिनेशन करना होगा, इमेजिनेशन आप प्रैक्टिकल करना है तो मेरे घर पे आना होगा जी, ठीक है। मेरे घर में क्या है कि हम जहां भी चलते हैं ना जी, मैं हम अपना रूम में पूरा मट्टी डलवाए हैं, ठीक है। रूम में मट्टी डाल, अभी पानी इतना बरस रहा है कि उसमें कीचड़ इतना हो गया कि हम जहां चप्पल रखते ना, यानी जहां पैर रखते हैं ना जी, तो वहां पर सारा कीचड़ मेरे पैर पे आके लग जाता है जी। इमेजिन हुआ हम क्या बोले, प्रेस करते हैं, जैसे मान लीजिए सर ये एक इलाका है, हम यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं ना, तो इधर का सारा पानी इस पे ऊपर आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। जैसे तुम लोग कभी गड्ढा या कीचड़ में ना कुछ ईटा या कुछ भारी चीज फेंक देते तो वो भारी चीज नीचे चला जाता है और उसके ऊपर में सारा कीचड़ लग जाता है जी, ठीक है। नहीं समझ पाए तो तीसरा बेसिक समझाने के लिए हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं जी। इमेजिन कीजिए कि सर दो नाली है, दो नाली मतलब दो पाइप है सर, एक इधर से पाइप है और एक इधर से पाइप है सर, ठीक है। एक पाइप सबसे नीचे है, तीसरा पाइप जो नीचे है सर, ये फोटोग्राफ कॉपी में बनाते हैं तो समझाने में दिक्कत होगा, पर तुम लोग समझना कि सर एक पाइप देखिए सर ये है और दूसरा पाइप ऊपर से है सर, ऐसे, है ना जी। इसका मतलब जो भी कुछ जाएगा सर तो वो किस में गिरेगा सर, इसमें गिरेगा। और ये पाइप सर इस तरह से बना हुआ है कि सर प्रेशर इतना लगता है कि सर आसपास का भी सामान इसी में आकर के गिर रहा होता है जी, ठीक है। हम बात करेंगे इसका तीसरा, दो तुम लोग समझना चाहिए तीसरा बेसिक क्या बोले कि सर दो पाइप है और तीसरा पाइप नीचे की ओर है सर, तो ऊपर का जितना भी पाइप है सब नीचे में ही गिरेगा। नहीं समझे तो इसी को हम और करके समझाए थे कि मान लीजिए कि सर एक ऐसा पाइप है जो कीचड़ पे रखा हुआ है सर, तो पाइप पे लोड बढ़ेगा तो कीचड़ का भी सामान सब ना इस पाइप में घुसना शुरू कर देगा जी, है ना, डक्ट में घुसना शुरू कर देगा। इसका हम यूज करेंगे जी, ठीक है। ये तीन टॉपिक था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक को जी, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब भी बात किया जाएगा तो ऐसा वाला फोटोग्राफ देखना है जी, ठीक है। ये रियल पिक्चर में आपको दिखा रहा है ये फोटोग्राफ, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और इसी का एक डायग्रामेटिक व्यू है जो यहाँ पर है जी, ठीक है। यही फोटोग्राफ हम बनाएंगे जी अभी थोड़ी देर में, दोनों फोटोग्राफ NCERT बुक का भी समझा देंगे तुम लोगों को पहले, लेकिन तुम ये देखो कि रियल पिक्चर सर ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें एक साइड का टेस्टिस दिखाई दे रहा है और इस टेस्टिस से जुड़ा हुआ एपिडाइडाइमिस और उसी से एक जुड़ा हुआ एक पाइप है, जिस पाइप का नाम क्या है सर, भास डिफरेंस। तो कहीं पे लिखा होगा पाइप का नाम भास डिफरेंस, ठीक है। और ये भास डिफरेंस जो पाइप देख रहे हैं हम लोग, है ना जी, ये है भास डिफरेंस। और ये भास डिफरेंस आगे जाकर के सर क्या होता है, एक नया पाइप में जुड़ रहा होता है सर। इस पाइप का नाम यूरेथ्रा है जी, ठीक है। ये जो पाइप देख रहे हैं इसका नाम यूरेथ्रा है, है ना। यूरेथ्रा क्या होता है सर, यूरिन को ले जाने वाला है। इसको हम लोग, एक पाइप है जो यूरिन को ले जाता है सर, और वक्त आने पर सर स्पर्म को भी यह ले जाता है जी, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं सर पीला रंग का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये एक थैली है सर जहां यूरिन जमा होता है सर, ठीक है। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता फोटोग्राफ नीचे वाला भी है, अभी NCERT देखोगे तो हो सकता है हौच-पौच हो जाए, पर हम कोशिश करते हैं अपने तरीके का फोटोग्राफ बना करके समझाने का जी, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है आपको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जी, ठीक है। और एक मिनट रुक जाइए, आप इसको आप फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं सही से एडजस्ट करने का, कैमरा स्टैंड लेंगे ना तो उसपे अच्छा से हो जाएगा, फिलहाल वैसा कुछ तो है नहीं। एक मिनट रुक जाओ, अभी स्टार्ट कर रहे हैं।
है ना। तो टॉपिक का नाम क्या, आपको टॉपिक का नाम हो गया आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जी, ठीक है। और इसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे जी, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक मिनट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम बोल दिए हैं, रियल पिक्चर तुम लोग अभी थोड़ा देर पहले देख चुका है, हम कुछ वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ देखिए, एक जोड़ा टेस्टिस इस जगह पर है जी, एक टेस्टिस यहाँ है, दूसरा टेस्टिस यहाँ है जी, ठीक है। हम सब जानते हैं टेस्टिस कहाँ रहता है, स्क्रोटम के अंदर में, स्क्रोटम है ये, है ना। और स्क्रोटम के ऊपर में क्या, सॉरी टेस्टिस के ऊपर में क्या देखते हैं, एपिडाइडाइमिस। इधर से भी क्या देखेंगे हम लोग, एपिडाइडाइमिस, दोनों साइड से एपिडाइडाइमिस होगा, है ना जी, पॉइंट समझ में आ रहा है। और इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे क्या, एपिडाइडाइमिस से सर क्या होता है, एक खास पाइप निकलता है जी, ठीक है। इस पाइप का नाम क्या है, तो भास डिफरेंस, हम बोले भी थे अभी थोड़ा देर पहले, ये भास डिफरेंस है सर, यहां से एक पाइप जा रहा है सर, भास डिफरेंस सर, ये ऊपर की ओर जाता है, चला जाता है, 15 सेंटीमीटर का ये पाइप होता है सर। इस पाइप में स्पर्म सिर्फ पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म, है ना। और ये एक समय के बाद जाने वाला सब फैल जाता है सर। अभी हम थोड़ा देर पहले बोले थे कि बायोलॉजी में जब भी कोई चीज फैल जाता है ना सर, फैले हुए जगह को क्या कहते हैं, एम्पुला बोलते हैं जी, एम्पुला। बेसिक याद आ रहा ना जी, अभी हम क्लास स्टार्ट किए थे तो बोले थे बायोलॉजी में जब भी कोई वाइड इलाका जब आएगा सर, दैट नून एज एम्पुला। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्पुला के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और सर एम्पुला का जो अंतिम छोर होता है सर, वहां पे एक सैक नुमा, सैक समझते हैं, थैली नुमा ऐसा कुछ, है ना, सैक नुमा स्ट्रक्चर होता है दोनों तरफ से सर, इधर से भी और उधर से भी, एक सैक नुमा स्ट्रक्चर होता है सर। उस सैक नुमा स्ट्रक्चर को हम लोग सेमिनल वेसिकल्स के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, सेमिनल, सेमिनल वेसिकल्स, है ना जी, सेमिनल वेसिकल्स के नाम से बुलाते हैं। रियल पिक्चर में भी सब देखे हैं अभी, है ना जी, नहीं तो अभी इमेजिन करो कि जो सर दिखा रहे वही सही सही ही होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं सर एम्पुला, ये जगह को नाम दिए थे एम्पुला, है ना, एम्पुला कोई ऑर्गन का नाम नहीं है, खाली वॉइड जगह को एम्पुला कहते हैं जी। ये था भास डिफरेंस, है ना। अब भास डिफरेंस आगे जब जाता है सर, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्पुला के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। और एम्पुला के अंतिम छोर पे क्या दिखाई देता है, एक सैक नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जी। उस सैक नुमा स्ट्रक्चर को हम लोग सेमिनल वेसिकल्स के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। थोड़ा सा हिल रहा है थोड़ा कैमरा, लेकिन रुक जाइए, है ना, ज्यादा इस पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा आप लोग, है ना। अब यहाँ पर सर, ठीक है, इस जगह पे, इस जगह पे हम लोग क्या देखते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है सर। यूरिनरी ब्लैडर 11th में था, सुनिएगा, या अभी हम सुना रहे हैं, एक ऐसा जगह जहां पे यूरिन जमा होता है सर, इस जगह पे यूरिन जमा रहता है जी। यूरिनरी ब्लैडर के ही नीचे से एक पाइप निकलता है सर, जिस पाइप का नाम क्या है सर, यूरेथ्रा। ये अभी बॉडी के अंदर में है जी ये पाइप, है ना जी, कोई देख नहीं सकता इस पाइप को। ये इस पाइप का नाम क्या रखे हम लोग, यूरेथ्रा जी, जो अभी हम पेन से चला रहे हैं ना, वो पाइप यूरेथ्रा है जी, ठीक है। और थोड़ा देर पहले हम समझाए थे, ये ऊपर से आ रहा है पानी का पाइप, और ये नीचे का पाइप है जी, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा जी, ये आराम से इसमें पानी गिरा सकता है ना, जो भी डालना हो डाल सकता है ना। अभी नहीं बोले थे, एक नीचे से पाइप है और एक ऊपर से पाइप है, वैसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। तो यहाँ से ये सब था, और ये था आपको यूरेथ्रा सर। सर इसका नाम लिख दीजिए पहले, देखो इसका नाम हम लिखने जा रहे हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का काम क्या, यूरिन को ले जाना, कैरी यूरिन, है ना। लेकिन लड़कों में यूरिन के साथ साथ कभी कभी ये स्पर्म को भी ले जाता है सर, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं यूरिन को ले जाएगा सर, अभी बॉडी के अंदर ही है यूरेथ्रा, इसको अब कोई देख नहीं सकता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है सर, ये आपको यूरेथ्रा एक खास, है ना, इजाकुलेटरी ऑर्गन से बाहर निकलता है, जिसका नाम है सर आपको पेनिस, है ना। मेल में एक खास स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम क्या पड़ता है, पेनिस के नाम से हम जानते हैं जी, जो बाहर से होता है, जिसको हम लोग देख करके बता सकते हैं कि लड़का है या लड़की है जी। तो यूरेथ्रा पेनिस के रास्ते से गुजरता है सर, और बाहर की ओर चला जाता है जी, ठीक है। इसी रास्ते से यूरिन भी बाहर जाता है जी, ठीक है। पॉइंट ये है कि सर इसी रास्ते से स्पर्म भी बाहर जाता है जी, ठीक है। स्पर्म भी इसी रास्ते से जाएगा, और साथ साथ, है ना, आपको यूरिन भी इसी रास्ते से जाएगा जी, ठीक है। फोटोग्राफ थोड़ा ठीक से बनाते हैं अब हम, ठीक है, इसी को कुछ हम बताना चाह रहे थे, है ना, यूज करेंगे हम जी इसका, ठीक है। रुक जाइए, थोड़ा फोटोग्राफ गंदा बन गया, इसको ठीक करते हैं हम, है ना जी। तो ये, है ना, कुछ पॉइंट सब आप लोग को समझा रहे थे हम, ठीक है।
तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे थे, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक मिनट रुकिए था थोड़ा सा, अब दिख रहा है, हेलो फोटो आप दिख रहा है, मतलब दिख रहा है जी, कैमरा अब हिल नहीं रहा है कोई, ठीक है रुक जाओ, तो अब बनाते हैं हम फोटोग्राफ, इसमें इसमें कैमरा पकड़े हुए थे ना इसलिए बार बार हिल रहा था, अब नहीं हिलना चाहिए, अब ठीक लग रहा है। देखिए तो हम क्या पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है, यही असली टॉपिक है, रियल पिक्चर एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, और आप लोगों को रियल पिक्चर बनाना नहीं है ना ही मेडिकल में पूछेगा, आप लोगों को बस आना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन पार्ट कहां पर मौजूद है जी, ठीक है। तो हम अभी आपको पूरा ओवरव्यू बता रहे हैं कि एक जोड़ा टेस्टिस होता है सर, एक टेस्टिस राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में होगा जी, ठीक है, और राइट साइड का भी टेस्टिस स्क्रोटम से कवर्ड है और लेफ्ट साइड से भी कवर है, दोनों एक्चुअली दोनों एक साथ ही रहते हैं सर, पर अभी थोड़ा सा फोटोग्राफ को थोड़ा फैला के बना रहे हम। ये यहाँ पे था एपिडिडाइमिस, यहाँ पे भी क्या था एपिडिडाइमिस, है ना जी, एपिडिडाइमिस से ही एक पतला सा पाइप निकलता है सर जो एब्डोमेन में चला जाता है ना जी। सुबह में जो क्लास लिए थे तो उसमें बता रहे थे ना इधर यहाँ पे कि ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन के बाद इनगुनल केनाल होता है, उसके बाद स्क्रोटम होता है, ऐसे कुछ बोले थे और कहे थे टेस्टिस से एक स्पर्म का पाइप होता है, जो पाइप है ना इनगुनल केनाल होते हुए कहा जाता है सर वो एब्डोमेन में जाता है सर, इसी रास्ते से सर आपको वापस है ना पेनिस के रास्ते से बाहर निकलता है जी, ठीक है, उसी का कुछ फोटोग्राफ यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। मैंने यही कहा था अभी कि वास डिफरेंस है इसका नाम, जो अभी हम बना रहे हैं उसका वास डिफरेंस, वास डिफरेंस जब आगे बढ़ता है सर है ना, तो आगे जाकर के सर ये थोड़ा फैल जाता है जी, ठीक है। अब बायोलॉजी में कहा था कि जब भी कोई चीज फैला हुआ इलाका होता है ना उसके लिए हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम है एम्पुला, है ना जी, इस रीजन को हम लोग क्या नाम देंगे, एम्पुला, है ना जी। और एम्पुला ही रीजन का जो अंतिम छोर होता है सर, उस छोर पे एक थैली नुमा स्ट्रक्चर, सैक लाइक, सैक करने वाले एक ही रास्ता हो जिसका, है ना जी, तो आप देख भी रहे हो कि एक ही रास्ता से ये बाहर आ सकता है इस तरह से, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम सेमिनल वेसिकल्स है। अभी सेमिनल वेसिकल्स का क्या काम है थोड़ा देर बाद तुमको पता चल जाएगा जी, ठीक है, अभी बस जानिए कि सेमिनल वेसिकल्स दो ठो होता है सर, है ना जी, आप एक राइट साइड में देख रहे हो और एक लेफ्ट साइड में सर, और सेमिनल वेसिकल्स के ही ऊपर में सर एक ब्लाडर लगा होता है सर, ब्लाडर, है ना जी, जो लगभग लगभग 1.5 लीटर तक पानी को जमा कर सकता है, इसका नाम है यूरिनरी ब्लाडर, है ना जी, यूरिनरी ब्लाडर, और यूरिनरी ब्लाडर में यूरिन जमा होता है सिर्फ सर, और कुछ नहीं, ठीक है, और यूरिनरी ब्लाडर के अंदर में सर यूरेटर सब आता रहता वगैरह, है ना, और यूरिनरी ब्लाडर के ही बेस पॉइंट से नीचे से एक पाइप एराइज होता है सर, दैट पाइप इज नोन एज यूरेथ्रा, इसी को हम लोग क्या नाम बुलाते हैं, यूरेथ्रा के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, यूरेथ्रा एक लंबा सा पाइप होता है जो है ना वहां से आपको आ रहा होता है जी, ठीक है, 15 सेंटीमीटर पाइप होता है सर, ये सब बॉडी के अंदर में है, कोई नहीं देख सकता, इसको चीर चार के ही देखा जा सकता है जी, ठीक है, मैंने इस जगह की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो तुम तो गौर से देखोगे ना तो सर लगेगा सर ये पाइप कुछ है ना सर ऐसे कनेक्ट है जी, सही है, यहाँ पे कनेक्ट पाइप है जी, ठीक है, कलर पिन बदलते हैं, ठीक है, ये वाला देखिएगा, ये वाला पाइप जो है ना ये वाला पाइप, इसका नाम था आपको इजाकुलेटरी डक, देखिए यहां तक का नाम था वास डिफरेंस, देखिए यहां से लेके यहां तक का पाइप का नाम था वास डिफरेंस, है ना, वास डिफरेंस बोले थे, और सर वो पाइप वास डिफरेंस का जो आपको यूरेथ्रा में खुलेगा सर, इसका नाम रखे थे हम लोग भी थोड़ा देर पहले यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का मतलब जो यूरिन को ले जाता है सर, लेकिन सर यूरिन के साथ साथ कभी कभी स्पर्म को भी ले जाता है सर, तो सर वह पाइप ये वाला जिसमें हम पेन रगड़ रहे हैं जी, तो इसको हम लोग इजाकुलेटरी डक्ट के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, इजाकुलेटरी डक्ट, है ना, इजाकुलेटरी डक्ट के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ये 2 सेंटीमीटर का पाइप होता है, दोनों तरफ से होता है जी, है ना, ये पाइप इसमें जाकर के खुलता है सर, किसमें, तो यूरेथ्रा में जाकर के खुलता है सर, लेकिन सर यही नहीं कि हमेशा खुला रहेगा, जब स्पर्म जा रहा होगा तब यहाँ वाला बंद रहेगा, यहाँ पे भाल्व लगा होगा, ये भाल्व क्या करेगा सर, ऊपर के यूरिन को नीचे नहीं आने देगा, और जब आपको सर आपको अभी मान लीजिए यूरिन निकलना होगा तब ये खुला रहेगा, यहाँ पर भाल्व लगा रहता है सर, जो भाल्व क्या करता है स्पर्म को मिक्स नहीं होने देगा, मतलब कंटामिनेशन होने से बचाता है जी, कभी भी स्पर्म और यूरिन एक साथ नहीं निकल सकता है जी, या तो स्पर्म बाहर आएगा या नहीं तो
यूरिन बाहर आएगा जी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सर इस पाइप में जो जाता है यूरेथ्रा, इसीलिए सर यूरेथ्रा को है ना हम लोग एक और नाम बुलाते हैं, यूरोजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं सर, ठीक है, यूरोजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं। लड़कों में ऐसा बात होता है, यूरोजेनाइटल डक्ट का मतलब यूरिन को भी ले जाने वाला और जेनाइटल मतलब जीन गैमिट को भी ले जाने वाला, ठीक है, इस वजह से इसका नाम पड़ा। सर यूरेथ्रा आगे जब बढ़ता है ना सर, तो इसी जगह पे देखिए यहाँ पे ही आपको इमेजिन करने के लिए कहे थे कि देखिए ये एक पाइप है, इसी पाइप के चारों तरफ से ऐसे हम मुट्ठी जैसे बांधे हुए ना, तो मुट्ठी ही जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देखिए अभी फोटोग्राफ बनाएंगे तो लगेगा सर कि इधर आधा इधर है आधा इधर है, ऐसा कुछ नहीं, एक पीस है जी, जो बताना चाह रहे वो सुनिएगा। तो एक पीस प्रोस्टेट ग्लैंड है, अभी इसके ऊपर से हम थोड़े बना देंगे, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, तो इसीलिए याद रखना होगा ये जो पाइप देख रहे हैं सर, ठीक है, इसका जो ये रेड कलर का जो पाइप है सर, इसका नाम है सर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है सर, ये हम मल्टीप्लाई लिख करके लिख देते हैं, वन होता है ये टोटल एक ठो। ये इस पाइप का यूरेथ्रा पाइप के चारों तरफ, जैसे मान लो इस पेन को यूरेथ्रा मान रहे हैं आप लोग, तो इसके चारों तरफ इस तरह से ये रहता है सर। अब हम थोड़ा देर पहले तुम लोग को बोले थे कि लोड इस पाइप में बढ़ेगा ना सर, तो इस पाइप का लोड की वजह से सर इसमें का भी कुछ सामान क्या होगा सर, इस पाइप में घुस जाएगा जी, ठीक है। जस्ट लाइक कीचर में जब पैर रखते हैं तो आपके पैर के ऊपर में कीचर लग जाता है ना जी, सेम टू सेम यहाँ पे भी वही बात है सर। प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ क्या करता है सर, जब इधर से कुछ जाएगा ना सर, तो प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें अपना सामान डाल देता है। अभी क्या सामान डालता है थोड़ा देर बाद आप लोग को पता चल जाएगा। यूरेथ्रा जब आगे बढ़ता है सर, तो इसके ऊपर में एक मसल का, एक मांस का बना हुआ एक कवर आ जाता है जी, जिसको हम लोग पेनिस के नाम से बुलाते हैं। आप पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप सिर्फ और सिर्फ पेनिस को ही बाहर से देख सकते हैं, बाकी जो भी ऑर्गन है वो सब बॉडी के अंदर होता है सर, ठीक है। जब पेनिस अंतिम में जब जा रहा होता है सर, अंतिम के स्टेप पे रहता है, तो वहां पे थोड़ा सा स्वेल कर जाता है सर पेनिस, है ना जी। इस तरह से आपको देखिएगा ये अंतिम जो छोर होता है सर पेनिस, ये थोड़ा स्वेल होता है सर। इस स्वेलिंग हिस्सा को, थोड़ा फूले हुए हिस्सा को हम लोग ग्लांस पेनिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, सॉरी ग्लांस पेनिस, एस लिखा हुआ ये ग्लांस पेनिस बोलते हैं, है ना। पूरा यहां से लेकर के यहां तक के स्ट्रक्चर को हम लोग पेनिस बोलेंगे, पर अंतिम लास्ट एंड तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हो, इंड स्वेलन पार्ट ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, है ना जी। असर इसके सामने का जो यूरेथ्रा है सर, ये वाला, तो इसको हम लोग क्या यार बोलते हैं, यूरेथ्रल माइटस के नाम से बुलाते हैं, जो अंतिम छोर होता है यूरेथ्रा का, यूरेथ्रल मीटस के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। हम लोग बाद में स्पेलिंग आप लोग को अच्छे से फोटोग्राफ खींच के हम भेज देंगे तो समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। ये हो गया यूरेथ्रल मीटस, तो जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो ना सामने में, यही फोटोग्राफ को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव फोटोग्राफ, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से बुलाते हैं जी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। इसमें एक फोटोग्राफ में सर, यहाँ पर सर जहां से पेनिस स्टार्ट होता है ना सर, इसी जगह पे एक कॉपर्स ग्लैंड पाया जाता है, एक जोड़ा सर, एक इधर से और एक इधर से, मतलब ये भी शरीर के अंदर है। हम क्या बोले थे तुम लोग को कि पेनिस ही बाहर है, जहां से पेनिस स्टार्ट हुआ है ना उसके जस्ट ऊपर में एक जोड़ा सर क्या होता है, कॉपर्स ग्लैंड, जो अपना सारा केमिकल इस यूरेथ्रा में डाल रहा होता है सर, इसका नाम क्या है, कॉपर्स ग्लैंड, है ना जी, कॉपर्स ग्लैंड के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। इसका क्या काम है सर, थोड़ा देर में आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी आप लोग क्या सुन रहे हो कि सर ये यूरेथ्रा कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे, है ना, कॉपर्स ग्लैंड होता है, दो होता है सर ये, ठीक है, और ये दो कॉपर्स ग्लैंड भी सर क्या होता है, यूरेथ्रा के रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है जी, ठीक है। तो इसका भी हम लोग यूज करेंगे जी, ठीक है, आप सुनिएगा इसी को अभी, फोटो आप ध्यान में रखिएगा अभी, ठीक है। हम यहीं पे लिख देते हैं ग्लैंड बढ़ा रहे जी, ग्लैंड, देखिए ग्लैंड किसे कहते हैं, ग्लैंड कहता है कि सर एक तरह का सेल हो सकता है, सेल या टिश्यू, है ना, या ऑर्गन, है ना, ऑर्गन जो सिक्रीट करता है समथिंग, दैट सिक्रीट समथिंग, दैट सिक्रीट, है ना, समथिंग, है ना, फॉर, है ना, समथिंग फॉर ह्यूमन बॉडी, है ना, इंसान के शरीर के लिए कुछ ऐसे जगह जहां से कुछ केमिकल निकलते हो सर, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लैंड कहते हैं जी। जैसे मान लो जो भी थोड़े के लिए आपकी स्किन से पसीना सब चल रहा होगा, तो इसको हम लोग स्वेट ग्लैंड कहते हैं। स्वेट ग्लैंड क्या करता है, स्वेट निकालता है सर, ताकि आपका बॉडी ठंडा रहे, है ना। उसी तरह से हमारे अंदर में हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई सेल होंगे, कोई टिश्यू होंगे, या कोई ऑर्गन होगा जो कुछ ना कुछ केमिकल निकालता है सर, और उस केमिकल को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं सर, ठीक है। और तुम लोग कहेगा सर कि हम उसके बिना भी जिंदा रह सकते हैं सर, ठीक है, तो उसको हम लोग एसेसरी बोलते हैं सर। जैसे तुम लोग कभी मोटरसाइकिल वगैरह खरीदोगे ना, तो उसमें नहीं लिखा रहता है एसेसरी प्रोडक्ट सब, जैसे आप सीट कवर लगाते हैं,
है ना, या उसमें आप देखते होंगे कभी आप स्टैंड वगैरह सबको उसमें कवर लगाते हैं या डिक्की वगैरह लगाते हैं, तो उसमें सब लिखा रहता है एसेसरी एसेसरी में लगाएंगे तो सर बहुत अच्छा, नहीं लगाएंगे तभी मेरा गाड़ी चलेगा सर, इस चीज को हम एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। कुछ गया हम क्या बोले अभी, एसेसरी वर्ड समझ में आ रहा है, एसेसरी क्या होता है सर, एसेसरी ACCESORY, एसेसरी का मतलब होता है सर कि सर अगर आप कोई चीज को लगाते हैं या कुछ बियर करते तो वो आपके लिए अच्छा हो सकता है सर, लेकिन अगर आप नहीं लगाइएगा तो कोई बात नहीं, उसके बिना भी आप काम कर सकते थे। तो एसेसरी वर्ड का मतलब समझा दिए, ठीक है जी। और अब समझिएगा जी, ठीक है, ये पॉइंट देखें सब आदमी, ये है सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, यहाँ है प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे क्या है सर, कॉपर्स ग्लैंड, है ना जी। देखो गौर से फोटो आप देखते रहिएगा, स्पर्म इस पाइप में आता है सर, है ना, इस पाइप से स्पर्म जब यहां पहुंचता है सर तो इस स्पर्म पे केमिकल गिराता है सर सेमिनल वेसिकल्स, है ना, तो इस स्पर्म के ऊपर में कुछ केमिकल्स गिराए जाते हैं सर, किसके द्वारा, सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा। अब हम तुम लोग को क्लास स्टार्ट होते वक्त बोल दिए थे कि स्पर्म के साथ जब कोई केमिकल ऐड हो जाए तो सर इस केमिकल को हम लोग दोनों को एक साथ मिला के क्या कहते हैं, सीमेन बोलते हैं, सीमेन, है ना जी। जब स्पर्म आगे भाग रहा होता है सर और एम्पुला के पास आता है तो सेमिनल वेसिकल्स उस पर केमिकल गिरा रहा था, इधर से भी स्पर्म आ रहा था, इधर से भी केमिकल गिर रहा था सर। और ये स्पर्म और केमिकल मतलब नाउ सीमेन कहेंगे, ये दोनों सीमेन कहाँ जाएगा सर, इस रास्ते से आएगा। और जैसे प्रोस्टेट के पास आएगा तो प्रोस्टेट भी सर क्या करेगा, कुछ मिल्की फ्लूइड डालेगा सर, कुछ मिल्क के कलर में दिखने लायक स्ट्रक्चर केमिकल्स इस पाइप में डालता है सर स्पर्म के साथ। मतलब स्पर्म है और प्लस क्या है सर, सेमिनल वेसिकल्स का केमिकल, असर किसका केमिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड का केमिकल्स। असर ये केमिकल आगे बढ़ रहा होता है तो कॉपर्स ग्लैंड भी कुछ केमिकल गिरा रहा होता है जी, ठीक है। ये केमिकल क्या करता है सर, स्पर्म को और अच्छा और तेजी से ले जाने में मदद करता है जी, ठीक है। तो आप लोग गौर कर रहे हो सब आदमी कि सर सेमिनल वेसिकल्स भी केमिकल निकाला, है ना जी, प्रोस्टेट ग्लैंड भी केमिकल निकाला और कॉपर्स ग्लैंड भी क्या करता है सर, केमिकल निकालता है सर, ठीक है। इसीलिए इस तीनों को एक साथ मिला करके हम लोग मेल एसेसरी ग्लैंड कहते हैं। याद आया अभी आज का क्लास का एक टॉपिक, समझ में आ गया सब आदमी को। अब आज के बाद कोई आपसे पूछ देगा कि भाई मेल एसेसरी ग्लैंड क्या है, तो आप तुम बता देगा ना उन लोगों को कि मेल एसेसरी ग्लैंड का मतलब है ना सेमिनल वेसिकल्स, कॉपर्स ग्लैंड और आपको प्रोस्टेट ग्लैंड, इन तीनों को मिला के हम लोग क्या नाम देते हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं। अब डक्ट की बात करो, डक्ट डक्ट देखिए सर, यहां से सब आदमी याद कीजिए, रेटी टेस्टिस था इसमें, रेटी टेस्टिस के बाद क्या था, इपिडाइडामिस, ये भी पाइप पे था ना जी, है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब था वो, ठीक है, वो डक्ट नहीं था, लेकिन रेटी टेस्टिस एक पाइप है, वहां से भास डिफरेंसिया सबको याद आ रहा होगा, और इपिडाइडामिस, इपिडाइडामिस के बाद क्या था जी, भास डिफरेंस, अब भास डिफरेंस और यहाँ पे क्या था, एजाकुलेटरी डक्ट, इस सब को एक साथ मिला के क्या कहते हैं सर, मेल एसेसरी डक्ट के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। देखो जिसको समझ में आ गया होगा तो उसको आज पूरा क्लियर हो गया होगा, खाली आप एक्सटर्नल जेनेटिला ही वर्ड रह गया उसके लिए, एक्सटर्नल जेनेटिला को छोड़ करके बाकी टेस्टिस क्या होता है उसको समझा दिए, मेल एसेसरी ग्लैंड समझा दिए और मेल एसेसरी डक्ट भी तुम लोगों को समझा दिए जी, ठीक है। लेकिन पॉइंट नंबर ये है सर कि अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो हम यही बताएं आज आप लोगों को, मेल एसेसरी ग्लैंड जब पूछे ना ग्लैंड, तो आपका जवाब होगा सर सेमिनल वेसिकल्स, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, और कॉपर्स ग्लैंड, है ना जी, कॉपर्स ग्लैंड, इस तीनों को मिला के मेल एसेसरी ग्लैंड कहते हैं। ये दो ठो होता है सर, ये भी दो होता है, ये एक ही ठो होता है, ठीक है। और उसके बाद आया मेल एसेसरी डक्ट, डक्ट जब पूछे जाए तो डक्ट मतलब पाइप होता है सर, इसमें यहां से शुरू करेंगे सब आदमी, रेटी टेस्टिस, है ना जी, रेटी टेस्टिस के बाद है ना क्या आएगा, जा रहा जी फोटो आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पर अभी इमेजिन करो जो लिख रहे हैं सर, ये रेटी टेस्टिस लिखे हैं यहाँ पे, और रेटी टेस्टिस के बाद है ना जी आपको क्या है इसके में, है ना, रेटी टेस्टिस में, और उसके बाद होगा यहाँ पे है ना कॉपर्स ग्लैंड, सॉरी रेटी टेस्टिस के बाद होगा सर ये आपको भास इफरेंसिया, अब भास इफरेंसिया के बाद होगा सर आपको इपिडाइडाइमिस, है ना, इपिडाइडाइमिस के बाद क्या होगा सर आपको भास डिफरेंस, है ना जी, आपका एनसीईआरटी बुक इतना ही को, इस चारों को मिला करके क्या कहा है, मेल एसेसरी डक्ट कहा है जी, मेल एसेसरी डक्ट के नाम से बुलाया है जी, ठीक है। कुछ गया बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, देखिए तो हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया, देखो कट जाएगा तो थोड़ी जुड़ जाना फिर से, ठीक है, अभी हमको 5 मिनट बोलना है और, है ना, तो याद रखिएगा आप लोग। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, मेल एसेसरी है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में कुछ इसी तरह का बात सब आता है जी, ठीक है, एक दफा और सुनिएगा और इस बार हम पूरा बात को लेकर चलेंगे जी, ठीक है, सारा बात आ जाएगा। देखो हम अभी यही ना बोले थे कि टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर में क्या बनता है सर, स्पर्म बनता है सर,
ये स्पर्म क्या करता है सर, इपिडाइडामिस होते हुए है ना, मान लीजिए लड़का सेक्सुअली एक्साइटेड है तो सर ये भास डिफरेंस में आ जाएगा स्पर्म, लड़का सेक्सुअली एक्साइटेड नहीं है तो सर स्पर्म अभी कहाँ रहेगा उसका, इपिडाइडामिस में रहेगा। कितने दिनों तक रहेगा, आज ही सुबह में बताए थे आप लोगों को एक महीना तक स्पर्म इपिडाइडामिस में ही रहता है सर। दोनों टेस्टिस साइमल्टेनियसली काम करता है सर, या कोई टेस्टिस आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब इसमें ज्यादा एक्टिव है तो ज्यादा काम करेगा, ये कम एक्टिव ऐसा भी हो सकता है जी। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि समझना आपको लगा कि दोनों टेस्टिस का होना एक साथ जरूरी है ना जी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और स्पर्म जब बन जाता है सर तो यहाँ जमा होता है, इपिडाइडामिस में जमा होता है सर। लेकिन सर जब स्पर्म लड़का सेक्सुअली एक्साइटेड हो, मतलब कोई ख्याल में चला जाए या फिर उसका कोई पार्टनर हो, तो जब क्वाइटस का टाइम आता है सर तब ये अपने स्पर्म को बाहर की ओर आने के लिए कहता है जी। ठीक है, जब स्पर्म बाहर की ओर आता है सर तो ये अपने आप स्पर्म को है ना सर आता है ऊपर की ओर। आप लोग पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बार याद रखिए, जैसे कभी तालाब में कोई ईटा फेंकते हो ना तो एक वेव बनता ना ऐसे करके, उसी तरह से सर मांस है ना अपने आप एक वेव बनाता है सर, और उसी वेव से स्पर्म ऊपर की ओर चलता है, स्पर्म चलता नहीं है सर। ठीक है, अपने आप इसको पाइप है ना चला के ले जाता है जी, इसको पेरिस्टाल्सिस वेव कहते हैं जी। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस वेव, आई पेरिस्टाल्सिस वेव की मदद से सर क्या होता है, अपने आप सर सेमिनल वेसिकल्स का केमिकल स्पर्म सब क्या ऊपर की ओर भागता है जी। जब सेमिनल वेसिकल्स सॉरी मतलब ये भास डिफरेंस का जो पाइप है सर, भास डिफरेंस अपने आप सारे स्पर्म को सर क्या करता है, ऊपर की ओर ले जाता है जी। ठीक है, जब भास डिफरेंस का जो अंतिम छोर आता है सर तो वहां पे थोड़ा सा ये फैल जाता है इलाका, उस फैले हुए इलाका को क्या नाम देते हैं हम लोग, एम्पुला बोलते हैं जी। ठीक है, ये रीजन जो देखते हैं इस रीजन का नाम क्या है सर आपको, एम्पुला है ना जी, अंतिम पोर्शन ऑफ भास डिफरेंस इज कॉल्ड एम्पुला। एम्पुला के आपको अंतिम छोर पे एक सैक नुमा स्ट्रक्चर होता है सर, सैक का मतलब थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है, दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस केमिकल्स है ना जी। सैक नुमा स्ट्रक्चर का नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स एक प्रकार का एसेसरी ग्लैंड है सर, है ना जी। और सेमिनल वेसिकल्स क्या करता है सर, उस स्पर्म में अपना भी कुछ केमिकल गिरा देता है सर, यहां से स्पर्म शुद्ध आ रहा था, शुद्ध स्पर्म में ये अपना केमिकल डालता है सर। ये जो केमिकल डालता है ना सर, सेमिनल वेसिकल्स का केमिकल सर, दोनों को एक साथ मिला के अब हम लोग सीमेन बोलेंगे सर। ठीक है, सीमेन सर, सेमिनल वेसिकल्स से कौन कौन से केमिकल आते हैं थोड़ा देर रुक के आपको पता चल जाएगा। और सर यही आपको यहाँ पे सर आपको ऊपर में क्या होता है, ब्लाडर होता है जी, यूरिनरी ब्लाडर, यूरिनरी ब्लाडर यूरिन को लेके आता है सर। ये यूरिनरी ब्लाडर एक खास पाइप में आता है, ये इस पाइप का नाम क्या रखे थे अभी हम लोग, यूरेथ्रा है ना जी, यूरेथ्रा। खैर अभी हमने कहा था यूरेथ्रा दो दो काम करता है सर, स्पर्म को भी ले जाता है और साथ साथ है ना जी सीमेन को भी ले जाता है जी। अभी हम सीमेन पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, यहीं पे सर इसी रीजन में देखो अच्छे से जब समझोगे ना तो यहीं पे सर एक आपको गोल्फ के बॉल के आकार का एक ग्लैंड होता है सर, जिसका नाम क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो एनसीईआरटी जानबूझ करके इतना हचपच फोटोग्राफ नहीं बनाया है, कोशिश किया सिंपल फोटोग्राफ बनाने का, इसीलिए पहला फोटोग्राफ भी देख के आप समझ सकते हैं या दूसरा फोटोग्राफ देख के भी आप समझ सकते हैं। देखो इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी मिल्की सब्सटेंस निकालता है सर, ऐसा कुछ केमिकल निकालता है सर कि स्पर्म का ताकत और बढ़ जाता है सर, स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ जाता है सर। और सर ये उसके बाद आगे बढ़ता है सर ये यूरेथ्रा, तो एक समय आता है जहां से पेनिस आ जाता है सर, पेनिस एक एक्सटर्नल जेनिटल आता है सर, तो जहां से पेनिस आता है उसके जस्ट ऊपर में सर पहले ही एक जुड़ा आपको कॉपर्स ग्लैंड होता है जी। ठीक है, ये कॉपर्स ग्लैंड या इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं जी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, बल्बो है ना यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं सर इसको हम लोग। ठीक है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है सर, लुब्रिकेंट निकालता है, चिकनाहट। ये चिकनाहट क्या करता है, स्पर्म को और तेजी से भाग, जैसे देखो तुम लोग कभी एक फर्श पे तेल गिरा दो अब पैर से जब रखोगे उस पर तो पैर आपका स्लिप करेगा ना, तो वैसे ही सर यहाँ पे सर ये क्या करता है, एकदम चिकनाहट डाल देता है सर। इस वजह से सर क्या होता है, स्पर्म जो है बहुत तेजी से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चला जाता है जी। ठीक है, और सर इसमें जो भी इन्फेक्शन वगैरह होगा, मान लीजिए कि इस रास्ते में कोई बैक्टीरिया वगैरह हो तो ये चिकनाहट क्या करेगा, उसको खत्म कर देगा, ये लुब्रिकेंट निकालता है सर, लुब्रिकेंट माने चिकनाहट, जो क्या करता है सर आपको स्पर्म को दूर तक धकेलने में मदद करता है जी। ठीक है, ये बात समझा दिए, तो तीन ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और कॉपर्स ग्लैंड, तीनों ग्लैंड मिलकर के स्पर्म में जो डालता है सर, मतलब देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम स्पर्म प्लस क्या, सेमिनल वेसिकल्स का केमिकल प्लस प्रोस्टेट का केमिकल और प्लस क्या, तो सर आपको कॉपर्स ग्लैंड का केमिकल, तीनों के केमिकल को मिला करके एक साथ क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं जी, सीमेन है ना जी। तो कहता है कि एक नॉर्मल लड़का कितना एमएल सीमेन निकालता है, 3 से 4 ml, 3 से 4 ml मतलब जब देखिए छोटा सा सिरिंज आता है ना, उससे जो खून निकालते हैं उतना ही आपको, या अगर ये पेन देख रहे हो ना तो यहां से लेकर के
यहां से लेकर के यहां तक जो इसमें लिक्विड भरा होगा उसी को 3 से 4 ml बोलेंगे जी, ठीक है। तो 3 से 4 ml होता है सर, उसमें से 70% कंट्रीब्यूशन इसी का होता है सर, 70% कंट्रीब्यूशन यही देता है जी, ठीक है। और बाकी 30% कंट्रीब्यूशन किसका होता है सर, सीमेन में, एक सीमेन में 30% कंट्रीब्यूशन इसका होता है सर। स्पर्म 0.1% से होता है, less than 1%, 1% से भी क्या होता है सर आपको कम होता है जी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर, स्पर्म सीमेन में सबसे ज्यादा क्या होता है सर, सेमिनल वेसिकल्स होता है। अब आप लोगों को यही हमसे सुनना है कि सर सेमिनल वेसिकल्स में क्या क्या चीज मिलता है, और आपके पास असाइनमेंट है तो देखिए असाइनमेंट में, नहीं है तो सुन लीजिए। सर इसके अंदर में जब हम एनालिसिस करेंगे तो इसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है सर, इसका यूज होगा जी, कल हम बताएंगे तुम लोगों को फ्रुक्टोज का क्या मतलब है। फ्रुक्टोज होता है सर खाना के तौर पे सर, न्यूट्रिशन होता है सर स्पर्म के लिए, स्पर्म को भूख लगेगा तो सर यहां तक खाना दे रहा था एपिडाइडाइमिस, लेकिन अब आगे जब यहां पे स्पर्म पहुंचेगा और भविष्य में खाना मांगेगा तो सर इसका केमिकल इसको सब आ गए हो ना, ठीक है। तो एक मिनट जाओ, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ तो ये एक मिनट, देखिए यही बता रहे थे हम आप लोगों को, है ना, कि सेमिनल वेसिकल्स भी केमिकल निकालता है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड भी केमिकल निकालता है और कॉपर्स ग्लैंड भी केमिकल निकालता है जी। सेमिनल वेसिकल्स में जब एनालिसिस करोगे ना तो इसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है सर, ठीक है। और पूरे सीमेन का 70% यही होता है सर, ठीक है जी। फ्रुक्टोज सबसे ज्यादा पाया जाता है, और भी बहुत कुछ पाया जाता है जी, लेकिन उतना याद नहीं रखना है आप लोगों को। फ्रुक्टोज के अलावा इनोसिटोल भी पाया जाता है। इनोसिटोल जब भी तुम लोग सुनोगे ना, इसका काम क्या होता है सर, आपको इन्फेक्शन से रोकना। जब भी तुम लोग कभी सुनोगे इनोसिटोल एक लोशन है, तो इनोसिटोल का काम होता है बाहरी इन्फेक्शन से इसको रोकने मदद करता है जी। विटामिन सी हुआ, ये सब इसमें पाया जाता है सेमिनल वेसिकल्स में जी, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड में व्हाइट मिल्की सब्सटेंस पाया जाता है जी, ठीक है, व्हाइट मिल्की सब्सटेंस पाया जाता है ना जी। और साथ ही साथ जेरन प्लस प्लस पाया जाता है और CA++ पाया जाता है जी, ठीक है। CA++ कैल्शियम, इस पे स्टार दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन करने के लिए कैल्शियम आयन का होना जरूरी है जी, ठीक है। तो कैल्शियम आयन भी इसमें अंदर में आपको पाया जाता है जी, ठीक है। CA++ और
जेडन प्लस प्लस ये सब किस में पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में। और सर आपको कॉपर्स ग्लैंड में लुब्रिकेंट वगैरह पाया जाता है, लुब्रिकेंट करने वाला चिकनाहट वाला सब्सटेंस सब इसमें पाया जाता है जी। ठीक है, ये सब मिला करके सर क्या बनता है, सीमेन बनता है जी। देखिए अब रिवाइज कर देते हैं क्या क्या बोले हैं, और हम कल सुबह में रीडिंग दे देंगे कि आपको हम क्या क्या पढ़ा दिए जी। ठीक है, मैक्सिमम टॉपिक हो गया क्लियर। देखो हम क्या क्या बोले थे सुबह से और अभी अभी मिला करके, हमने आपको टेस्टिस पढ़ाया, टेस्टिस का सेक्शनल व्यू बताया, जब तीन परतों में काटते हैं तो तीन टेस्टिस का तीन परत आपको बताए थे। ठीक है, उसमें वेसिकुलोसा था आपको, ट्यूनिका आपको यानी कि है ना, वेजेनालिसिस था जी, एक है ना वेस्कुल, सॉरी एक बार सुनिएगा आप लोग है ना, सुबह में है ना एक जगह पे हम आपको है ना वल्गेरिस लिखा, ये लिखे थे ना जी, मतलब ये लाइन ठीक है, इसका नाम है वल्गेरिस लिखा गया था, इसका नाम वेस्कुलो ऐसा ये होगा है ना, वेजेनालिसिस होगा जी, वेजेनालिसिस है ना, हम इसको ठीक करके हम करेक्शन करके डाल देंगे इसमें, हम इसको सही कर देंगे। तो वल्गेरिस के जब वेजेनालिसिस होगा, बाकी सही है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा सबसे अंदर का लेयर होता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। उसके बाद हम तुम लोग को बताए थे क्या कि जब टेस्टिस के अंदर में देखते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब के ही अंदर में दो तीन तरह के सेल होते हैं, दो तरह के सेल होते हैं, और वही दोनों सेल मिलकर के सर क्या करता है, स्पर्म बनाता है और नरिश करता है जी। जब स्पर्म बन जाता है, नरिश ले लेता है, तब वो रेटी टेस्टिस, भासा एफेंसिया, एपिडाइडामिस और भास डिफरेंस होते हुए बाहर आता है सर। और उसके बाद हमने आज बताया आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब फोटोग्राफ बता रहे थे तो उसमें हम बताएं तुम लोगों को कि सर भास डिफरेंस आगे जाकर के सर एम्पुला रीजन में है ना सैक नुमा स्ट्रक्चर रखता है, उस सैक नुमा स्ट्रक्चर का काम कुछ है सर वो बताएं। उसके बाद हमने तुमसे कहा था कि सर इस ये आगे जाके इजाकुलेटरी डक्ट कहलाता है, ये पाइप इजाकुलेटरी डक्ट आगे जाके खुलता है सर यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के रास्ते से सर ये बाहर की ओर निकल जाता है जी। ठीक है, मेल में पेनिस होता है, पेनिस के जस्ट पहले कॉपर्स ग्लैंड होता है, उससे पहले है ना जी बल्ब प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, उससे पहले सेमिनल वेसिकल्स होता है जी। ये सब केमिकल्स निकालते हैं स्पर्म की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सर, इस सब के केमिकल्स अब प्लस स्पर्म है ना दोनों को एक साथ मिला के हम लोग क्या नाम देते हैं, सीमेन के नाम से लाते हैं। तो सर एक नॉर्मल इंसान कितना सीमेन निकालता है एक बार में, तो एक बार में 3 से 4 ml सीमेन निकालता है सर, जिसमें 1% से भी कम स्पर्म होता है, बाकी यही सब होता है जी। हम इससे ये समझाना चाह रहे हैं तुम लोग को कि सेमिनल वेसिकल ज्यादा होता है, यही ज्यादा होता है जी, बहुत कम परसेंट में क्या होता है सर आपको स्पर्म होता है उसमें। और 1% स्पर्म के अंदर में जब स्पर्म गिनना शुरू करोगे ना तो लगभग 200 से 300 मिलियन मतलब 20 से 30 करोड़ स्पर्म होता है जी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हुआ ना जी, एक तरह से मतलब 100 मिलियन बराबर था 10 करोड़, यहाँ 200 से 300 मिलियन इसका मतलब 20 से 30 करोड़ स्पर्म होता है जी, 1% से भी कम स्पर्म में जी। ठीक है, परसेंट में कहा जाएगा तो 1%, और नंबर गिनने जाओगे तो 200 से 300 करोड़ स्पर्म होता है एक आपको सीमेन में, 3 से 4 ml के सीमेन में। ठीक है, तो ये सब चर्चा हुआ, आप इस सब को है ना जब रीडिंग मारेंगे ना तो देखिए यहां तक हम आपको पढ़ा दिए हैं, ये इस जगह तक हम आपको पढ़ा दिए हैं, ये सब फोटोग्राफ सब कल सुबह जब मिलेंगे तो ये सब रीडिंग मारेंगे हम आप लोग के लिए एनसीईआरटी बुक को। और इसमें भी देखिएगा असाइनमेंट जब देखिएगा तो असाइनमेंट में हम यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, इस जगह तक पढ़ा दिए हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट का यही पेज सब है जो हम आपको डिस्कस कर रहे थे जी। ठीक है, और अब रह क्या गया है, रह गया पेनिस के बारे में पढ़ना, तो मेल पेनिस में क्या क्या प्रॉपर्टी सब होता है उस सबको जानेंगे है ना, पेनिस के बारे में कल पढ़ेंगे। और उसके बाद कल का क्लास वीवीआई होगा जी, कल हम लोग पढ़ेंगे स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पर्म दिखता कैसा है सर, ये सब फोटोग्राफ। ठीक है, मतलब जब कल का क्लास आपको मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है और स्पर्म कैसा दिखता है सर, ये बात करेंगे। और सर हमारे हार्मोन्स का कैसे कंट्रोल होता है जी, बॉडी पे हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है, इस सबके बारे में भी कल डिस्कशन होगा जी। ठीक है, आज कोई टेस्ट नहीं ले रहे हैं, कल से टेस्ट भी लेना शुरू कर देंगे जी, है ना। और यहीं तक रहेगा आज की क्लास, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, हम इसका हिंदी इंग्लिश लिख देंगे जी, जैसे हम प्लांट इसमें लिखे थे ना मतलब बायोडाइवर्सिटी में, यहां तक हम हिंदी लिख करके रात में चढ़ा देंगे जी ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे भारी नहीं लगना चाहिए, कोशिश करेंगे हम आपको पुरान का जितना छुट गया वो सब भी लिख दें, है ना। तो यहीं तक रहेगा जी क्लास, द एंड हुआ। ठीक है, बाय।